أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. In today's lecture, I will let you know about the qualitative research tools and its usages. I'm Aisal Pabirsen, an MPhil scholar in library and information science. If you have any query regarding this lecture or previous lectures, so you can write to abidusen@gmail.com. So stay with us, please. What is qualitative research? Qualitative research is based on disciplines of social sciences like psychology, sociology, and anthropology. Therefore, the qualitative research methods allow for in-depth and further probing and questioning of respondents based on their responses. For achieving this type of research, you need to adopt some tools. अब क्वालिटेटिव रिसर्च है क्या? ये सोशल साइंस डिसिप्लिन का जो है ना एक बहुत मशहूर टाइप्स ऑफ रिसर्च है, जो कि अक्सर साइकोलॉजी में, सोशियोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी में, हिस्ट्री में, आईआर में, पॉलिटिकल साइंस में इसके इस्तेमाल किया जाता है। क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स का काम क्या है कि ऐसे क्वेश्चंस का प्रोब लगाना रिस्पोंडेंट्स के जरिए से या इंफॉर्मेशन के जरिए से, ताकि इस किस्म के रिसर्च को प्रमोट किया जाए और द स्टोरी ऑफ न्यू जो है ना क्वेश्चन जो आपके या रिसर्चर्स के माइंड में आ जाते, तो इसको जो है ना कुछ टूल्स चाहिए। आज इस लेक्चर में हम इस रिसर्च टूल्स जो कि क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज होती है, हम इसको इनकम पास करेंगे। सो स्टे विद अस। टूल्स फॉर क्वालिटेटिव रिसर्च में आ जाते हैं इंटरव्यूज। कंडक्टिंग इन डेप्थ इंटरव्यूज विद पार्टिसिपेंट्स allow researchers to gather rich, detailed information about their experiences, perceptions, and perspectives on a topic. Interview method क्या है? Interview method में ये होता है कि जो researchers होता है वो in-depth interview conduct करता है किससे? Participant से। और इसका क्या काम क्या है कि researchers का काम है कि gather rich, detailed information about their experiences। जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं इंटरव्यू में, या जो एक्सपर्ट्स से या सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स से या अपने फील्ड में महारत रखते हैं, उसकी परसेप्शन को जांचना, उसकी पर्सपेक्टिव ऑन अ टॉपिक को जांचने के लिए इंटरव्यूज एज ए टूल इस्तेमाल करते हैं। फिर आ जाते हैं फोकस ग्रुप। ग्रुप डिस्कशन आर फोकस ग्रुप्स ब्रिंग टूगेदर मल्टीपल पार्टिसिपेंट टू एक्सप्लोर अ स्पेसिफिक टॉपिक, इनकरेजिंग इंट्रैक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एमंग पार्टिसिपेंट्स। फोकस ग्रुप में ये होता है कि एक ही सब्जेक्ट के कुछ लोग जमा हुए होंगे और उसका काम क्या है कि पार्टिसिपेंट से एक स्पेसिफिक टॉपिक पे जो है ना डिस्कशन करना, इसको एक्सप्लोर कराना, इसको इनकरेज कराना, इससे इंटरेक्शन कराना और उससे एक्सचेंज ऑफ आइडियाज कराना, ताकि रिसर्चर उससे कोई मवाद हासिल करे और उसी पे रिसर्च पेपर लिखे। ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशनल मेथड्स इन्वॉल्व्स डायरेक्टली ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग बिहेवियर्स। Interactions are phenomena in natural setting, providing insight into social or behavioral pattern. Observation method जो है ना ये qualitative research tool है और इसका काम क्या है कि एक events को observe करना, behaviors को observe करना, interaction को observe करना, या natural setting में जो phenomena आ जाती है और behavioral patterns को और social gathering से कोई insights लेने को क्या जो tools इस्तेमाल होती है उसे कहते हैं observation। अब आ जाते हैं सर्विस। सर्विस कैन बी यूज्ड क्वालिटेटिवली टू गेदर ओपन एंडेड रिस्पॉन्सेज दैट एक्सप्लोर पार्टिसिपेंट्स ओपिनियंस, एटीट्यूड्स और एक्सपीरियंस इन डेप्थ। सर्वे से अक्सर क्वालिटेटिव रिसर्च जब कंडक्ट करा जाते हैं तो सर्वे शेयर करते हैं अपने मतलब हम सब्जेक्ट लोगों के साथ या एक ही डिसिप्लिन लोगों के साथ, ताकि ओपन एंडेड रिस्पॉन्सेज उससे कलेक्ट किया जाए। सर्वे के लिए जो टूल्स इस्तेमाल होती है, या बाय पोस्ट, या आजकल जमाना आया है हुआ है कि गूगल फॉर्म में या सर्वे मंकी के जरिए से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हैं लोगों के ओपिनियंस को, एटीट्यूड को, उसके एक्सपीरियंसेस को इन डेप्थ एनालिसिस के लिए। फिर आ जाता है कंटेंट एनालिसिस एज ए क्वालिटेटिव रिसर्च टूल्स। कंटेंट एनालिसिस इन्वॉल्व सिस्टमेटिकली एनालाइजिंग टेक्सचुअल, विजुअल और ऑडियो विजुअल डेटा टू आइडेंटिफाई थीम्स, पैटर्न्स और मीनिंग्स विद इन द डेटा। आपके सामने कोई डेटा पड़ा हुआ है, वो चाहे टेक्स्ट फॉर्मेट में हो या विजुअल फॉर्मेट में हो या ऑडियो विजुअल फॉर्मेट में हो, इससे एक थीम को आइडेंटिफाई करना और पैटर्न्स के मुताबिक उसी डेटा से एक और रिसर्च बनाने को क्या कहते हैं? कंटेंट एनालिसिस। फिर
फिर आ जाते केस स्टडीज। केस स्टडीज इन्वॉल्विंग इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ अ स्पेसिफिक केस आर इंस्टेंस ऑफन फोकसिंग ऑन अ यूनिक सिचुएशन और फेनोमेनन टू गेन इंसाइट्स एंड अंडरस्टैंड कम्प्लेक्सिटीज। केस स्टडीज मेथड जो है ना बहुत कॉमन है, ये क्वांटिटेटिव रिसर्च में भी समटाइम यूज होता है, मिक्स मेथड में भी और क्वालिटेटिव में। इसका काम क्या है कि यूनिट ऑफ एनालिसिस आपका तयन हो, मुतयन हो कि इसी एरिया से मैंने ये डेटा कलेक्ट करना और रिसर्च पेपर बनाना। नैरेटिव एनालिसिस, नैरेटिव एनालिसिस एग्जामिन स्टोरीज नैरेटिव्स आर पर्सनल अकाउंट्स टू अंडरस्टैंड हाउ इंडिविजुअल कंस्ट्रक्ट एंड मेक सेंस ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस। किसी के नैरेटिव को कॉपी करना, स्टोरीज को एग्जामिन करना या पर्सनल अकाउंट को अंडरस्टैंड करने के लिए जो टूल्स इस्तेमाल होती है इसे क्या कहते हैं, नैरेटिव एनालिसिस एज ए क्वालिटेटिव रिसर्च टूल्स। आखिरी स्लाइड्स में मैंने दो तीन चीज़ें और इनकम्पास के, इन व्यू, इन व्यू इज अ क्वालिटेटिव डेटा एनालाइजिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पैकेज प्रोड्यूस बाय लुमिवीरो। लुमिवीरो ने इस पैकेज को बनाया था। इन व्यू इज यूज अक्रॉस अ डाइवर्स रेंज ऑफ फील्ड्स इंक्लूडिंग सोशल साइंस सच एज एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, कम्युनिकेशन, सोशियोलॉजी एज वेल एज फील्ड एज सच एज फॉरेंसिक, टूरिज्म, क्रिमिनोलॉजी एंड मार्केटिंग। इन व्यू का काम क्या है, ये लिटरेचर रिव्यू में और डेटा एनालिसिस में बड़ा हेल्प करती है। आजकल एक नया सॉफ्टवेयर आया हुआ है, अगर आप इसको सीखे तो इसी से अच्छा डेटा एनालिसिस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के जरिए आप करा सकते हैं। ये किसने प्रोड्यूस किया था, लुमिवीरो ने प्रोड्यूस किया था और डाइवर्स रेंज ऑफ फील्ड्स में इस्तेमाल किया जाता है। आईआर में भी इसका इस्तेमाल हो जाता है, सोशल साइंस में, एंथ्रोपोलॉजी में, साइकोलॉजी वगैरह वगैरह। अब आ जाते हैं इथनोग्राफिक। इथनोग्राफी क्या है, इथनोग्राफी इज अ ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ इंडिविजुअल कल्चर्स। इथनोग्राफी एक्सप्लोर कल्चरल फेनोमेना फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी। इथनोग्राफिक का काम क्या है, ये एंथ्रोपोलॉजी का एक सब्जेक्ट है जहाँ से एक स्पेसिफिक कल्चर से आप डेटा कलेक्ट करें और इंडिविजुअल कल्चर्स को आप हाईलाइट करें या आप कल्चरल फिनामिना जो है ना लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहते हैं, तो इस किस्म के क्वालिटेटिव टूल्स को क्या कहते हैं, इथनोग्राफी। फिर एक और टूल्स जो कि क्वालिटेटिव रिसर्च के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है वो है क्विरकोस। बहुत ज़्यादा कम लोग पाकिस्तान में जानते हैं क्विरकोस इज अ सिंपल एंड अफोर्डेबल क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस टूल। इट्स टेक्स्ट एनालाइज आइडेंटिफाइज कॉमन कीवर्ड्स विद इन द टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स टू हेल्प बिजनेस क्विकली एंड ईजिली इंटरप्रेट कस्टमर रिव्यूज एंड इंटरव्यूज। क्विरकोस जो है एक ऐसा टूल्स है, आप कीवर्ड्स को डिग आउट करते हैं, हाईलाइट करते हैं, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स है इसमें से एक स्पेसिफिक कीवर्ड को तलाश करने के लिए क्विरकोस के जो टूल्स इस्तेमाल करते हैं। मुझे उम्मीद है आज की लेक्चर आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इंफॉर्मेटिव देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व